न्यूज़, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आंचल। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आइए डालते एक नजर हेडलाइंस पर। मैक्सिको में तूफान ओटिस ने मचाया कहर, अब तक 39 लोगों की मौत, आलोचकों पर भड़के राष्ट्रपति एड्रेस। इजराइल हमास वॉर पर अमेरिकी अधिकारियों के साथ होगी बातचीत, सऊदी रक्षा मंत्री जाएंगे व्हाइट हाउस। राष्ट्रपति बनने के बाद मुस्लिम प्रतिबद्ध को फिर करूंगा बहाल, ट्रंप ने किया वादा, व्हाइट हाउस ने की आलोचना। आइए देखते खबरें विस्तार से। मैक्सिको में तूफान ओटिस ने मचाया कहर, अब तक 39 लोगों की मौत, आलोचकों पर भड़के राष्ट्रपति एड्रेस। मैक्सिको में तूफान ओटिस ने मचाया कहर, अब तक 39 लोगों की मौत, आलोचकों पर भड़के राष्ट्रपति एड्रेस। मैक्सिको में आए विनाश कारी ओटिस तूफान में जमकर तबाही मचाई है। ओटिस तूफान ने अब तक 39 लोगों की जान ले ली है। मैक्सिको सरकार ने बताया कि विनाशकारी तूफान में कारण मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। राष्ट्रपति एड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर ने अपनी विरोधियों पर आपदा के पैमाने को बढ़ा चढ़ा कर पेश करने का आरोप लगाया है। मैक्सिको में आए विनाशकारी ओटिस तूफान ने जमकर तबाही मचाई है। ओटिस तूफान ने अब तक 39 लोगों की जान ले ली है। मैक्सिको सरकार ने बताया कि विनाशकारी तूफान के कारण मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। राष्ट्रपति लोपेज ओब्रेडोर ने जारी किया वीडियो। इस बीच राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर ने अपने विरोधियों के ऊपर आपदा के पैमाने को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का आरोप लगाया है। लोपेज ओब्रेडोर ने एक वीडियो जारी कर आपदा की हालत के बारे में मेक्सिको की जनता को अवगत कराया है। तूफान ओटिस ने मचाया कहर, बता दें कि बुधवार को आए तूफान ओटिस ने मैक्सिको को भारी नुकसान पहुंचाया है। इस तूफान की चपेट में आने से घर, दुकानें और होटल में भारी क्षति हुई है। इसके अलावा मृतकों की संख्या बढ़कर 39 हो गई है, साथ ही कई लोग घायल भी हो चुके हैं। 29 पुरुष और 10 महिलाओं की हुई मौत। सरकार ने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया है कि मृतकों की 29 पुरुष और 10 महिलाएं हैं। इसके साथ ही इस तूफान में 2,20,000 से अधिक घर और 80% होटल प्रभावित हुए हैं। 5,13,000 से अधिक घरों की बिजली चली गई है। साथ ही 8,000 से अधिक सशस्त्र बलों के जवानों को प्रभावित क्षेत्रों में मदद के लिए भेजा गया है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इजराइल हमास वॉर पर अमेरिकी अधिकारियों के साथ होगी बातचीत, सऊदी रक्षा मंत्री जाएंगे व्हाइट हाउस। इजराइल और हमास के बीच युद्ध जारी है। इस युद्ध में अब तक दोनों पक्षों के हजारों लोगों की जान जा चुकी है। इजराइल द्वारा किए जा रहे जवाबी हमले कभी भी क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकता है। इसी आशंका के बीच सऊदी अरब ने रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान अल सऊद जल्द व्हाइट हाउस जा सकते हैं और इस युद्ध को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति साथ बातचीत कर सकते हैं। इजराइल और हमास के बीच युद्ध लगातार जारी है। आज इस जंग का 23वां दिन है। इस विनाशकारी युद्ध को लेकर अब सभी देश शांति की अपील कर रहे हैं। सभी देशों का कहना है कि इस युद्ध को अब रोका जाए और शांति बहाल हो। हमास और इजराइल का जारी जंग अब क्षेत्रीय युद्ध में कभी भी बदल सकता है। इसी आशंका के बीच सऊदी अरब ने रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान अल सऊद के अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन के अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए सोमवार को व्हाइट हाउस जाने की उम्मीद है। सऊदी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इजराइल के किसी भी जमीनी ऑपरेशन ने फलस्तीनी नागरिकों के जीवन को खतरा होगा और इसके परिणाम स्वरूप अमानवीय खतरे होंगे। बिन सलमान करेंगे कई अधिकारियों के साथ बातचीत। एक्सियोस के मुताबिक बिन सलमान व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलीवन, रक्षा सचिव लॉयर्ड ऑस्ट्रिज, राज्य सचिव टोनी ब्लिंकन के साथ साथ कई सीनेटरों से मुलाकात करेंगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रपति बनने के बाद मुस्लिम प्रतिबंधों को फिर करूंगा बहाल, ट्रंप ने किया वादा, व्हाइट हाउस ने की आलोचना। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कसम खाई है कि अगर वह व्हाइट हाउस के दूसरे कार्यक्रम के लिए चुने जाते हैं तो कुछ मुस्लिम बहुत देशों के लोगों पर विवादास्पद यात्रा प्रतिबंध को फिर से लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं यात्रा प्रतिबंध बहाल कर दूंगा। 2017 में ट्रंप ने ईरान, लिबिया, सोमालिया,
सीरिया, यमन और शुरुआत से इराक और सूडान के यात्रियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिए। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कसम खाई है कि अगर वह व्हाइट हाउस के दूसरे कार्यक्रम के लिए चुने जाते हैं तो कुछ मुस्लिम बहुल देशों के लोग पर विवादास्पद यात्रा प्रतिबंध को फिर से लागू करेंगे। शनिवार को रिपब्लिकन यहूदी गठबंधन के वार्षिक शिखर सम्मेलन में बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि आपको यात्रा प्रतिबंध याद है, यात्रा प्रतिबंध को बहाल करेंगे ट्रंप। ट्रंप ने कहा कि पहले दिन मैं यात्रा प्रतिबंध बहाल कर दूंगा, हमने यात्रा प्रतिबंध लगाया था क्योंकि हम नहीं चाहते कि ऐसे लोग हमारे देश को बदनाम करने के बारे में सोचते हैं। उन्होंने कहा कि उनके प्रशासन के दौरान लगाया गया यात्रा प्रतिबंध एक बेहतरीन सफलता थी। रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद की दौड़ में सबसे आगे चल रहे ट्रंप ने कहा कि हमारे पास 4 साल की एक भी घटना नहीं हुई क्योंकि हमने बुरे लोगों को अपने देश से बाहर रखा है, हमने उन्हें बाहर रखा, हमारे पास एक भी घटना नहीं हुई है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टालिंग ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का, ब्रेक से लौटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रही है एमएस न्यूज के साथ। नमस्कार।